नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है जीके का, जो सभी विद्यार्थियों के लिए कॉमन है। उसमें करंट जीके के बारे में हम बात करेंगे कि करंट जीके की तैयारी आपको कैसे करनी है। तो मित्रों, शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी मीडिया है, सोशल मीडिया पे। देखिए मित्रों, इस वीडियो से पहले आज दो वीडियो अपलोड किए हैं, एक तो मैनेजमेंट का है और दूसरा जो वीडियो है वो है महाराणा प्रताप का मुगलों के साथ संघर्ष के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसमें से हर बार क्वेश्चन आता है उस टॉपिक में से। तो ये दो वीडियो अपलोड किए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। देखिए, करंट जीके के बारे में अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये है कि सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, इन दोनों के करंट में क्या डिफरेंस था। क्वेश्चन वहां भी 10 थे जो सभी के लिए कॉमन था जीके का पेपर, और यहां भी 10 क्वेश्चन हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यह है कि वहां केवल राजस्थान का करंट पूछा उन्होंने, 10 क्वेश्चन थे वो राजस्थान के थे, कोई भारत या कुछ विश्व का था तो वो किसी अन्य किसी टॉपिक से जुड़ा हुआ था। अभी भी आप पेपर देख लीजिए आपके सेकेंड ग्रेड के, जो अभी एग्जाम हुए हैं, राजस्थान के करंट के 10 क्वेश्चन आने थे और वो उन्होंने पूछे हैं। लेकिन यहाँ जो फर्स्ट ग्रेड का करंट का सिलेबस है, इसमें राजस्थान, भारत और विश्व, आपको तीनों का करंट पढ़ना है। तो दायरा बहुत हद तक बढ़ चुका है यहाँ पे, वहाँ दायरा सीमित था। राजस्थान में कुछ चीज़ें मेन मेन हम पढ़ के और आराम से वो हो सकता था क्लियर, यहाँ आपको फैक्ट काफ़ी पढ़ने पड़ेंगे। तो एक बार आप ये सिलेबस देख लीजिए कि आपके सामने जो सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है। ये है करंट अफेयर्स। तो ये जो भी आपके टॉपिक हैं सारे, इन टॉपिक को मैंने हिंदी में लिख दिया है, तो हम एक बार हिंदी वाला ही पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है इन टॉपिक में। पहला है भारत और राजस्थान की जनगणना। तो ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है और ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, सेकेंड ग्रेड में भी ये जनगणना वाला तो था आपका, अगर ज्योग्राफी था उसमें भी पढ़ना था आपको। तो भारत और राजस्थान की जनगणना ये आपको पढ़ना होगा। इसके बाद में भारत और राजस्थान के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब इसने दोनों का नाम दिया है, भारत और राजस्थान दोनों का पढ़ना है। तो अब यहाँ केवल एक साल तक का नहीं है कि एक साल का ही करंट है, पहले से भी अगर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, चाहे वो भारत सरकार के हो और चाहे राजस्थान सरकार के, हम वीडियो बनाएंगे उन पे बात करेंगे। लेकिन चूंकि एक बार आपको ये सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे 5 साल पहले का ही क्यों ना हो, अगर कोई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट प्रोग्राम है तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और क्या पढ़ना है कार्यक्रम में, वो शुरू कब हुआ, उसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो क्या क्या हैं, तो इसी प्रकार की चीजें हैं। नेक्स्ट है भारत और राजस्थान में महिला सशक्तिकरण योजना। ये महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं हैं महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए, वो हमें सब पढ़नी है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि एक साल की है, जो जो मेन मेन है, एक साल का तो करंट पढ़ना ही है। देखिए जैसे जो करंट होता है उसका मेन यही होता है कि हमें एक साल का करंट पढ़ना है। लेकिन अगर कुछ पहले की कोई महत्वपूर्ण योजना है तो वो भी हमें थोड़ी ध्यान में इसमें रखनी पड़ेगी। उसके बाद है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कौशल विकास कार्यक्रम, ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं। ऊर्जा से संबंधित नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन और उनकी संभावनाएं। उसके बाद है राजस्थान की चिकित्सा और स्वास्थ्य की योजनाएं। सीधी सी बात है, राजस्थान सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सभी हमें इसमें पढ़नी है। उसमें चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे चिकित्सा और स्वास्थ्य हो, और चाहे विकासात्मक कार्यक्रम हो। इसके बाद में हम बात करते हैं स्पेस प्रोग्राम। तो इसमें भारत के द्वारा स्पेस से संबंधित जो भी आज तक किए गए हैं, आणविक ऊर्जा से संबंधित हो, भारत और विश्व की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब ये दिखने में तो एक लाइन है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इस एक लाइन के अंदर सब कुछ आ गया। महत्वपूर्ण व्यक्ति व स्थान, ये भारत से संबंधित है, चूंकि राजस्थान वाला भी पूछ सकता है वो, और पूछे भी हैं इन्होंने, तो वो भी हमें पढ़ना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
हमें सा क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में से। ये पूछता है करंट का, ये इसने स्पेशली लिखा है इसमें कि अभी के जो वर्तमान से संबंधित है, मतलब लास्ट एक साल से संबंधित। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड और प्राइज, नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित। लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर ऑफ इंडिया, ये बहुत पूछता है ये। ये 12वां 13वां पॉइंट, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, विज्ञान प्रौद्योगिकी। ये जो लास्ट वाले हैं 11, 12, 13 और 14, ये तो इतने महत्वपूर्ण है, लास्ट ईयर के पेपर देखिए फर्स्ट ग्रेड के। कोई सा भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें से इन टॉपिक में से कोई क्वेश्चन ना आया हो। तो स्पोर्ट्स और गेम्स, तो मित्रों ये 14 टॉपिक हैं जिनको मैंने हिंदी में अनुवाद करके लिखा है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। अब मैं बात करूं बुक्स की, कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है इसमें। तो बुक्स के लिए देखिएगा, वार्षिकांक मार्केट में कोई सा भी वार्षिकांक हो, 3-4 जो भी आपको मिले, वार्षिकांक इसका लीजिएगा। अगर फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल कोई वार्षिकांक आया है करंट के लिए, तो वो आप लीजिएगा, काफी फायदा होगा उसमें आपको। और अगर फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं होकर के डायरेक्ट एक साल का वार्षिकांक कोई भी है, तो वो आपको जो बुकलेट है वो लेनी ही होगी, तो उसमें काफी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। राजस्थान वाले जो भी टॉपिक हैं, क्योंकि जो करंट के 10 क्वेश्चन आएंगे, करंट के 10 क्वेश्चन में से 3-4 क्वेश्चन ये लगभग राजस्थान के पूछता है, ये 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 3 भी 4 भी, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, 2 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो राजस्थान, चूंकि अगर आपने सेकेंड ग्रेड का एग्जाम दिया है, तो राजस्थान वाला टॉपिक तो आपका बहुत अच्छे से है, वो तो क्लियर है। अच्छा, वीडियो इसमें राजस्थान के लिए हमने उस टाइम वॉल्यूम के रूप में एक सीरीज शुरू की थी, और काफ़ी सही भी रही वो। तो वो सारे आपको देखने हैं, बार बार देखिएगा, दोबारा पढ़िएगा उनको, वो सब आपके काम आएंगे इसमें फर्स्ट ग्रेड में। एक एक वीडियो जो राजस्थान के करंट के लिए बनाया गया था, वो सब आपके लिए इस फर्स्ट ग्रेड में भी महत्वपूर्ण है। बाकी इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है, वो भारत और विश्व का आपको पढ़ना है, सब चीज़ें जो भी है। अब देखिए मित्रों, करंट के कुछ क्वेश्चन हैं पिछले वर्षों में आए हुए, 3 सालों में, वो मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं, उनको देखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन का क्राइटेरिया किस प्रकार से है। ये 17 जुलाई 2016 को जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, इस वैकेंसी से पहले यही वैकेंसी थी। तो इसमें जो करंट के क्वेश्चन हैं, किस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, ये देखिएगा। वर्ष 2015 के लिए, चूंकि 2016 का पेपर है ये, तो वही लगभग 1 साल का करंट, राजस्थानी भाषा में साहित्य का अकादमी पुरस्कार इस साहित्य कृति के लिए दिया गया है। तो ये आ गया क्वेश्चन, ये राजस्थानी भाषा से संबंधित, यानी राजस्थान का करंट है। मार्च 2016 में पोखरण में किए गए वायुसेना के युद्धाभ्यास का कूट नाम है, तो ये भी आप पढ़ेंगे इसको, यानी जो भी हमने पढ़े, जो भी ये इनके द्वारा चलाए गए प्रोग्राम है, वैज्ञानिक से संबंधित हो या आणविक से संबंधित हो, तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है। केंद्र सरकार के, आ गया सेंटर का क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी प्लान के पहले दौर में चयनित होने वाला शहर है, तो ये इंडिया करंट है ये। नेक्स्ट है, सारक का सचिवालय कहाँ है, तो ये तो अलग क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से किस योजना के लिए राजस्थान को नेशनल गोल्ड अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2015-16 प्राप्त हुआ है, ये राजस्थान का क्वेश्चन है ये, तो अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें कॉलम था अवार्ड वाला। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई, तो जो कलाम साहब हैं इनके द्वारा कौन सी पुस्तक इसमें से नहीं है, तो ये ऑथर वाले टॉपिक में से है, ये बाद में साइंस के हो गए। फिर करंट का है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार 2015, ये वर्ल्ड जीके का है, विश्व का जो जीके है उसमें पुरस्कार से संबंधित है ये। फिर ये साइंस के क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है, तो ये इंडिया जीके से संबंधित है। देखिए पुरस्कार और अवार्ड से संबंधित 3 क्वेश्चन ये पूछ चुका है इस पेपर में, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी टॉपिक में से पूछ सकता है जो इसको ठीक लगेगा, चाहे किसी में 2 पूछे या ज्यादा पूछे। सांसद आदर्श ग्राम योजना की विशेषता क्या है, तो ये योजना से संबंधित है, और अभी क्या विशेषताएं हैं इसमें, इसके आंसर सब मिल जाएंगे आपको, हम तो एक बार क्वेश्चन देख रहे हैं।
और वैसे भी ये पेपर अपलोड सामने कर रखे हैं हमने। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? ये बुक से संबंधित आ गया। एक तो एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है कि उनकी बुक नहीं है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप देख सकते हैं कि राइटर और अवार्ड, इनमें से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है ये। ये जो पेपर आपके सामने है ये उससे पहले वाली वैकेंसी का है, 2013 के आसपास की वैकेंसी है ये। इसमें करंट के क्वेश्चन कौन से हैं 10 के? 12वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, जैतपुर में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, वो साइंस और टेक वाला जो था, आणविक ऊर्जा वाले, उन टॉपिक में से देखिए, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, उन टॉपिक में से जरूर पूछ रहे हैं। तो ये इस प्रकार से है, ये पेपर हमने कर लिया था सोल्व। वैसे 2011 की जनगणना के अनुसार ये जनगणना पूछ ली, अब रोही क्रम में पूछ रहा है जनसंख्या वाले शहर। पुस्तक द लोलैंड के लेखन किसने किया है? ये बुक्स का क्वेश्चन पूछा है इसने। ये वही उपग्रह से संबंधित क्वेश्चन है, ये देखिए उपग्रह का पूछ रहे हैं कि 4 अप्रैल 2014 को IRNSS 1B का दूसरा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। तो ये उपग्रह वाले में से है, भारत रत्न से, वही अवार्ड वाले में से आ रहा है ये, भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पुरस्कार में से है। नेक्स्ट है, फरवरी 2014 में किसे यूक्रेन के राष्ट्रपति के पद से अपदस्थ किया गया? तो हटाया गया, तो एक महत्वपूर्ण घटना थी उस समय की, तो इन्होंने करंट का क्वेश्चन पूछ लिया इसमें। ये विश्व जीके से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, मार्च अप्रैल 2014 में बांग्लादेश में हुए ICC 2020 महिला क्रिकेट विश्व कप की विजेता कौन सी टीम थी? ये खेल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 2 मई 2014 को अमेरिकी सीनेट ने किसे, किसकी इलिनॉयस के उत्तरी जिले के संयुक्त राज्य जिला न्यायालय के संघ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की पुष्टि की है? यही वर्ल्ड जीके से संबंधित, चूंकि भारत से जुड़ा है वो। नेक्स्ट है, 2013 में राजस्थानी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? तो ये राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन है। तो मित्रों ये 10 क्वेश्चन है जिसमें अवार्ड, पुरस्कार, उपग्रह, भारत रत्न, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो बार बार जरूर पूछता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे पहले के पेपर के बारे में। ये मित्रों जो नेक्स्ट पेपर है ये है प्राध्यापक स्कूल शिक्षा 2011, तो ये 11 का पेपर है ये। इसमें क्वेश्चन देखिए, संसद में महाभियोग की कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया है? तो चूंकि उस समय का करंट का क्वेश्चन होगा ये, तो ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया ये भारत से संबंधित। राजस्थान के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है? ये उस समय की गई थी, तो ये राजस्थान का क्वेश्चन आ गया करंट का। राजस्थान के किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया गया है? ये क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, ये भी क्या है करंट का, उस समय का करंट है ये। ओपेरा विनफ्री जिसने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2012 में भाग लिया किस देश से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन था उस समय 2012 में। सन 2011 में किस नए राज्य का उद्भव हुआ है? तो कौन सा नया देश जो है वो सामने आया था हमारे 2011 में उससे रिलेटेड। हमास क्या है? उस समय का समसामयिक में से बहुत महत्वपूर्ण था ये हमास। पाकिस्तान के किस शहर में अमेरिकी नौसेना ने ओसामा बिन लादेन की हत्या की? ये करंट के हैं उस टाइम के। पद्म विभूषण होमी व्यारावाला के हाल ही में समाचारों में रहने का कारण है? तो एक व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला था, होमी व्यारावाला। उस समय क्यों लोकप्रिय थे ये, क्यों चर्चा में थे? वर्ष 2011 का राष्ट्रगान जनगण मन के लिए क्या महत्व है? तो 2011 का क्या महत्व है जनगण मन के लिए, देखिए आप करंट किस तरीके से पूछ रहे हैं। भारत के अगले राष्ट्रपति के निर्वाचन की निश्चित की गई तिथि है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है। तो मित्रों आप देख लिया आपने, आपको मैंने
पिछले वर्षों के आए हुए 3 वर्षों के जो 3 वैकेंसियां हैं 2011 की से, 11 के, फिर 13 के, फिर उसके बाद 16 की, ये 30 क्वेश्चन करंट का आपके दिखाए हैं, किस प्रकार से वो करंट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि फैक्ट हैं और दुनिया भर के फैक्ट हैं, और उसमें से एक फैक्ट ही उठा के यहां दे देगा। तो आपने 30 क्वेश्चन देखे, आपको आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, योजनाएं पढ़नी है, लेकिन पूरी तरह से केवल योजनाओं के पीछे ही मत लग जाइएगा, क्योंकि ये केवल इन एक एक दो दो पॉइंट के अंदर आप पूरी बुक लिख सकते हैं, 300-400 पेज की आराम से, और मार्केट में मिलती भी होगी। तो आपको हर चीज़ पे, टॉपिक पे ध्यान देना है, इन लास्ट वाले टॉपिक पे तो विशेष रूप से ध्यान देना होगा आपको। अब अगर बात करें यहाँ वीडियोज़ की, तो वीडियो देखिए जो करंट के हैं वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन चूंकि ये मैटर बहुत ज़्यादा है, तो आपको केवल वीडियो पे डिपेंड नहीं होना है। जैसे कुछ विद्यार्थी, कई बार मैं देखता हूँ कमेंट, वो विद्यार्थी कई कमेंट करते हैं कि सर सिर्फ आपके वीडियोज़ ही देख रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे हम तो। नहीं, वो चीज़ गलत है, बहुत गलत है। मैंने कभी नहीं कहा आप सिर्फ वीडियोज़ देखें, वीडियोज़ तो एक सहायक, एक सपोर्टिव का काम करेगा आपका। वीडियो में, एक वीडियो में मैटर कितना आता है, मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन जो मेन मेन मुझे लगते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, वही हम पढ़ते हैं। सारा ही अगर मैं यहाँ करवा दूँ, तो फिर तो बुक की बुक वाली बात होगी कि बुक को पढ़ लो या फिर वीडियो, एक ही बात है। तो यहाँ आपको मोस्ट जो मुझे एग्जाम के अकॉर्डिंग कुछ सिलेक्टिव चीज़ें लगेगी, जैसे सेकेंड ग्रेड में आपके सामने रखे थे, उसी प्रकार से रखने का प्रयास करेंगे। आपको क्या पढ़ना है उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ। मार्केट से फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग कोई भी जो वार्षिकांक हो, और कोई स्पेशल नाम नहीं, सब एक सी किताबें हैं सबकी, ठीक है, आप कोई सी भी लिएगा, उसको लाके और पूरा करंट है आप साथ साथ में रिवाइज करते रहिए। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट आपको एक दिन में याद नहीं होंगे। तो आपके पास अभी टाइम है, लगभग 46-47 दिन है, डेली का करंट आप थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो पेज भी अगर आप पढ़ते रहेंगे, तीन तीन चार चार पेज भी थोड़ा रिवाइज करते रहेंगे, 10-15-20 मिनट में रिवाइज कर लेंगे आप, तो लास्ट तक आते आते आपके पास भी एक अच्छा मैटर माइंड में तैयार होगा। और मैं जो यहाँ पढ़ाऊँ वो तो खैर आपको याद करना ही है 100%, वो तो 100% ही याद करना है, उसमें तो कोई नहीं होना चाहिए कि ये भी छोड़ दें, छोड़ना नहीं है उसको। तो कुछ एक चीज़ें ध्यान में रखिएगा, तो आपका करंट बहुत शानदार तैयार हो जाएगा। 75 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो हैं वो करंट के पूछेगा, और आप करंट की इंपॉर्टेंस, आप महत्व देख सकते हैं कि करंट का क्या महत्व है। क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे, तो इसलिए आप लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप उस टॉपिक को छोड़ के चले जाएं। हर विद्यार्थी अपनी ओर से करंट को तैयार करने की कोशिश करेगा, तो आपको भी वही अपनी ओर से प्रयास करना है। तो आपको एक आइडिया जरूर हो गया होगा इस वीडियो से कि आपको किस तरह से करंट का मैटर तैयार करना है। तो आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, और इसके साथ देखिएगा मित्रों, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो लाइक वाले बटन पर भी दबा दीजिए। शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ, ताकि लाभ हो किसी विद्यार्थी को। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।